देखिए, कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है सही करी है, मुझे भी लगता है, क्योंकि अंतर धर्मी जो जोड़े हैं इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहना हमारे समाज को हमें लगता है कि दूषित करते हैं। 22 साल की उम्र में इस प्रकार के अस्थायी रिश्ते कतई उचित नहीं है। देखिए, कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है सही करी है, मुझे भी लगता है, क्योंकि अंतर धार्मिक जो जोड़े हैं इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहना हमारे समाज को हमें लगता है कि दूषित करते हैं। और जो समाज में जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, इस तरह से रहने में एटमॉस्फेयर भी खराब होता है मुझे लगता है, और जो बच्चे हैं या पॉपुलेशन है अगल बगल की, उस पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है। उसी सबको दृष्टिगत रखते हुए, देखते हुए सारी चीज़ों को, सामाजिक सोच को, सामाजिक धारणा को, ये सारी चीज़ों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसी टिप्पणी करी है। मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा विरोध करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ये लोग थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को थोड़ा दूषित करते हैं, खराब करते हैं, इसीलिए लोग अपराध करते हैं। बाकी तो भाई अपनी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कैसे भी रह सकता है, लेकिन कोर्ट ने भी कुछ विचार करके ही कहा है, मुझे इससे संतुष्टि है, पब्लिक को भी खुश होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हर चीज़ का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। हर चीज़ अपने आप में बुरी होती है, हर चीज़ अपने आप में अच्छी होती है। जैसे अगर आप बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है, जहाँ पे आप एक दूसरे पार्टनर को बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं। लेकिन कमियाँ वहाँ आ जाती, जहाँ पे हम कई बार ऐसा देखते हैं, कई ऐसे FIR हो जाते हैं जहाँ पे रेप केसेस डाल दिया जाता है, जबकि जो उनके बीच जो रिलेशन फिजिकल बनता है वो काफ़ी कॉन्सेंचुअल होता है। लेकिन तो ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं, तो उस पर लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ अलग से सरकार को किसी तरीके का रूल बनाना चाहिए, ताकि जो फर्जी केसेस हो रहे हैं, जो जो लड़कियां लड़कों के ऊपर किसी प्रकार से दबाव डालने का प्रयास करती हैं, वो सब खत्म किया जा सके। जी, मैं बिल्कुल इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस टिप्पणी से सहमत हूँ, क्योंकि एक टाइप आज 20-22 साल की उम्र में इस प्रकार के अस्थायी रिश्ते कतई उचित नहीं है, ना किशोर के लिए ना ही किशोरी के लिए। तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। लिविंग रिलेशनशिप महज एक टाइम पास है, और आजकल के युवाओं का फैशन बन गया है कि एक के साथ रहिए, दो के साथ रहिए। तो मैं बिल्कुल इसके सहमत में हूँ, और सरकार को इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए, कानून बनाकर इस पर लाना चाहिए। कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी जो है वो कई हद तक सही है, क्योंकि देखिए, अगर आपको एक लंबे जीवन साथी के रूप में देखना है अपने उसको, तो आप उसके लिए रह सकते हैं, अच्छे तरीके से जान जाएंगे। लेकिन यदि आप ये कोशिश करें कि हाँ, कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, या अस्थायी तौर पर संबंध या अब उस तरीके से देखते हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। इससे मतलब एक देश को इस तरीके से नुकसान होगा कि समाज का युवा जो है वो एक निश्चित दिशा में नहीं जा पाएगा, और मतलब इससे देश का नुकसान होगा, खुद युवाओं का नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के मतलब हाईकोर्ट ने जो है वो सही टिप्पणी की है। जी, मैं इस टिप्पणी को मतलब सपोर्ट करता हूँ, और हम जैसे युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं अंतर धार्मिक की, तो धार्मिकता के आधार पर देखिएगा, तो आप आए दिन देखिए कहीं फ्रिज में किसी के टुकड़े मिलते हैं, किसी का कहीं मतलब लव जिहाद होता है। इसको मतलब नेगेटिव वे में लिया जा सकता है, पॉजिटिव वे में लिया, लेकिन ज़्यादातर केसेस नेगेटिव निकल रही है आमतौर पर देखिए। और युवाओं का एज होता है कितना, 22-24 रहते हैं इस उम्र में। हमारा देश पहला बात तो मतलब युवाओं का देश अभी, और इस उम्र में अगर हम इन चीज़ों में लगे रहें तो फिर हमारा देश का उन्नति नहीं हो सकती है अच्छे तरीके से। हाँ, मैं इसको निगेटिव में लेता हूँ, नहीं हो सकती है, लेकिन एक जो हमारा एनर्जी है, युवाओं का ऊर्जा है, किसी गलत तरफ जाता है और फैमिली को प्रेशर जाती है। जो हाईकोर्ट द्वारा बोला गया है उसमें उन्होंने मतलब समाज को देखते हुए एक टिप्पणी की है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में देखने को भी मिलता है कि साथ में रह रहे हैं लेकिन आगे चल के उनमें कोई संबंध खराब होता है, तो हमारे समाज को एक गलत संकेत जाता है।
तो इसको बचा मतलब ये बच सके इस वजह से उन्होंने ऐसा टिप्पणी किया है, तो मेरे हिसाब से ठीक ही है।